हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ फोटक्स ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे पास ये ब्लाउज़ के पीसेस हैं, मेन फैब्रिक है और ये इनर वाला कपड़ा है। तो हम मेन फैब्रिक को अलग कर देते हैं और जो हमारा अस्तर का कपड़ा है इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो आपको जो सामने स्क्रीन पर मेज़रमेंट दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कट करेंगे। तो हम अपने कपड़े को सीधा करते हुए टू लेयर में हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम अपना ब्लाउज़ की मेज़रमेंट लेना शुरू करेंगे। तो लेंथ हमें 14 इंच तैयार करनी है, तो हम यहाँ पर 15 इंच लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। यहाँ पर हम शोल्डर ले रहे हैं 5.5 इंच और यहाँ पर हम ये आर्म होल ले रहे हैं 6.6 इंच। हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है, हम इसको सीधा मिला देंगे एक स्केल की हेल्प से। और यहाँ से हम चेस्ट का नाप लेंगे, चेस्ट 34 है तो हम उसका 1/4 हिस्सा करेंगे, तो ये हमारा 8.5 इंच आ जाएगा। यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे, आर्म होल का मिड पार्ट करते हुए हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। यहाँ से हम कमर का भी 8.5 इंच ले लेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा टक में यूज़ हो जाएगा। बैक साइड वाला पार्ट हम पहले कट कर रहे हैं, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो हम इसको बैक वाले पार्ट को कट कर लेते हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा हमने इसमें मार्जिन दिया है, इसी को हम फ्रंट वाले पार्ट में इसी के कपड़े के ऊपर रखते हुए फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे। इधर से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है आई और हुक के लिए, और यहाँ पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है साइड की फिटिंग के लिए भी, और लेंथ में भी हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा हम नीचे वाला कट कर रहे हैं, तो ये हमारे टक्स में एक्स्ट्रा जाता है, इसके लिए हमें फ्रंट वाला पार्ट थोड़ा बड़ा लेना होता है। तो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट कट हो गया है। अब हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगा देंगे, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। ये हम फ्रंट वाली गोलाई भी यहाँ पर कट कर लेते हैं 1/2 इंच गहराई देते हुए। इसके बाद हम अपनी बेल्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ से बेल्ट हमें 3.5 इंच लेनी है और दूसरी साइड से हमें ये बेल्ट का निशान 2.5 लेना है, और इस दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। अब हम अपनी बेल्ट को कट कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट कट हो गई है, इसको हम अलग कर देते हैं और यहाँ पर अपनी फोर टक्स का निशान लगाना शुरू करेंगे। ये हमारी 3.5 इंच पे फर्स्ट टक जाती है और इसकी लेंथ 2.5 इंच होती है। इसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दूसरी टक का निशान लगाएंगे और यहाँ सीधा मिला देंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए अपनी थर्ड टक लगा देंगे। इसके बाद हम अपने नेक की लेंथ ले ले हैं 6.5 इंच और इसका नीचे जो हमारा कपड़ा बचा है उसका मिड पार्ट करते हुए हम अपनी फोर्थ टक का निशान लगा देंगे। इन सभी निशानों टक्स के बीच में हमारा 1.5 इंच का हमें गैप लेना होता है। ये हमारी जो टक है ये हमारी 1 इंच चौड़ी में होती हैं और ये बाकी हमारी 1/2 इंच में होती हैं। और यहाँ पर हम इन तीनों टक को ऐसे करके देखेंगे तो हमारा ये सी बनना चाहिए। हम सभी टक्स पे ऐसे छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हमें दूसरे पार्ट में निशान लगाने में आसानी हो जाए। तो हमने सभी टक्स के जो निशान लगाए हैं उन पर छोटे छोटे कट लगा दिए हैं और हम एक दूसरे के ऊपर ये कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए सारे ही दूसरे पार्ट पे भी टक के निशान लगा देंगे। तो हमने ये दूसरे वाले पार्ट पे भी टक्स के निशान लगा दिए हैं। इसके बाद हम अपने दोनों पार्ट को सीधा करते हुए नेक का निशान लगाएंगे। नेक की विड्थ हमें ऊपर से 2.5 रखनी है और नीचे से ब्रॉड 3 इंच रखना है। ऐसे हम इसको स्क्वायर एक पार्ट बना लेंगे और यहाँ से नेक की गोलाई देना शुरू करेंगे।
ऐसे इसकी कटिंग में जब स्टिचिंग करूँगी तभी मैं इसको कट करूँगी। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स कट कर लेते हैं। ये हमने फोर्थ तह में कपड़ा ले लिया है। सबसे पहले हम अपनी लेंथ ले लेते हैं, 4 इंच हमें तैयार करनी है और 1 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेना है जो ऊपर नीचे हमारा सिलाई में दब जाएगा। और यहाँ से हमें 3 इंच डाउन करते हुए अपनी बाजू की गोलाई ले लेनी है आर्म होल की। यहाँ से हम अपनी स्लीव्स की मोहरी लेंगे 6.5 इंच और यहाँ से आर्म होल हमें 7.5 इंच लेना है और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए हम अपनी स्लीव्स को कट कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स कट हो गई है और यहाँ पर भी सेंटर में हम अपनी स्लीव्स में कट लगा देंगे। ये हमारी लेंथ 5.5 इंच हमने ली है, आर्म होल 7.5 इंच हमने लिया है। ये हमारी स्लीव्स कट गई है। इसके बाद हम इसको मेन फैब्रिक पर रखते हुए कट कर लेंगे। तो हमारा ये मेन फैब्रिक है, इसको मैंने अपनी तरफ बंद हिस्सा रखा हुआ है और इसको अच्छे से सीधा मिलाते हुए हम इसको इसके ऊपर अपने जो पार्ट हमने कट किए हुए हैं ऑल पिन की हेल्प से मैं इनको यहाँ पर अटैच करते हुए बैक वाले पार्ट को कट कर लूँगी ताकि ये पार्ट हमारा अच्छे से कट हो जाए और इधर उधर ना हिले। यहाँ पर हम निशान लगा देंगे और कट करेंगे अपने कपड़े को। मेन फैब्रिक में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करना होता है ताकि जब हम इन दोनों को अटैच करें तो हमारा कपड़ा कम ना पड़े। तो हमारा ये बैक वाला पार्ट कट हो गया है। इसके बाद हम अपना फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे यहाँ से। ये हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है। इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर भी मैं ऑल पिन लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। पहले एक और ऑल पिन हम यहाँ पर अटैच कर देंगे और अब इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। मेन फैब्रिक को हमें हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा कट करना होता है ताकि जब हम इसको इसके साथ अटैच करें तो हमारा ये कपड़ा कम ना पड़े। यहाँ से भी हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग कर देंगे। तो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट कट हो गया है। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स को कट कर लेते हैं। ये हमने कपड़े को 2 लेयर में रखा हुआ है। हम अपनी स्लीव्स को ओपन हिस्से में कट करेंगे। यहाँ पर भी मैं ऑल पिन लगाकर इस कपड़े को पहले सेट कर लूँगी अच्छे से। ऑल पिन लगाने से हमें कपड़ा कट करने में बहुत आसानी हो जाती है। हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं हिलता है। तो हमारी ये स्लीव्स कट गई हैं। यहाँ से भी हम अपनी दोनों स्लीव्स को अलग कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी ब्लाउज़ की बेल्ट को निकाल लेते हैं। ये हमारा बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है। यहाँ से हम अपनी ब्लाउज़ की बेल्ट को कट करेंगे 2 लेयर में। इस पे भी मैं ऑल पिन लगाकर पहले इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। ये हमारी बेल्ट कट हो गई है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ से हम 1.5 इंच चौड़ी आई और हुक के लिए भी पट्टी निकाल लेते हैं। तो हमारी आई और हुक की पट्टी भी कट हो गई है। थैंक
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज़ कितने आसान तरीके से कंप्लीट कट हो गया है। ये सारे ही पार्ट मैंने कट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। यहाँ से मैं बैक वाले गले का निशान लगा देती हूँ। ऊपर से 2.5 इंच हमने इसकी विड्थ रखी है और लेंथ हमने 9 इंच रखी हुई है। यहाँ से भी मैं इसको 2.5 इंच में रखूँगी। हमने स्क्वेयर गला बनाना है बैक साइड में। यहाँ से हम नीचे से टक्स का निशान लगा देते हैं। यहाँ से 3.5 हमें टक्स को रखना है और लेंथ हमें टक्स की 4 इंच रखनी है। और यहाँ से हमें इसको 1 इंच चौड़ा रखना है। दोनों ही साइड से हम अपनी टक का निशान लगा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट कट हो गया है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। थैंक यू फॉर